चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं, और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार की, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज़ एयरपोर्ट बिक गए, जहाँ पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही, और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा मुद्दे उठाने जा रहे थे, जनता के मुद्दे थे, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाने जा रहे थे, लेकिन माननीय श्री अखिलेश यादव जी को यहीं रोक दिया गया। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय श्री अखिलेश यादव जी से डरी हुई है। इस प्रस्तावित मार्च के बारे में मुझे ये अवगत कराना है कि इस संबंध में जिला प्रशासन को ना ही कोई सूचना दी गई थी, ना ही कोई अनुमति प्राप्त की गई थी। इसके बावजूद जनपदीय पुलिस द्वारा, लखनऊ पुलिस द्वारा समाजवादी पार्टी के माननीय नेताओं से निरंतर संपर्क किया गया, संवाद किया गया, और प्रस्तावित जो रूट है उसके बारे में जो कठिनाइयां हैं उससे उनको अवगत कराया गया। जो आम जनता का जो आवागमन है, आज सोमवार की सुबह थी, स्कूल, कार्यालय, कॉलेज, इनकी वजह से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हमने पूरी उसमें ऑल्टरनेट रूट पर सुरक्षा के और यातायात के पूरे प्रबंध भी किए। अब इसके बाद भी अगर वो कोशिश करते हैं यहाँ से जाने की, आपकी जो बैरिकेडिंग और पुलिस की व्यवस्था है, तब क्या करें? नहीं, हमें विश्वास है कि हमारा अनुरोध जो है वो मानेंगे, और ऐसी कोई असुविधा नहीं होगी जिसकी वजह से आम जनता को और दिक्कतों का सामना करना पड़े। अगर अनुरोध नहीं मानेंगे, कानून हाथ में कोई लेता है तो ऐसा नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास। थैंक यू। अगर वो कह रहे हैं कि आपने